हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया। हाँ जी, माई सेल्फ वरुण जैन, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, फैकल्टी ऑफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस लॉस एट सी ए फाउंडेशन लेवल, फैकल्टी ऑफ अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग टैक्सेशन एट सी ए इंटर लेवल, फैकल्टी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन एट सीए फाइनल लेवल। आप लोगों के साथ आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे सीए फाउंडेशन की पढ़ाई को, सीए फाउंडेशन की जर्नी को, बेसिकली कह लीजिए हम सीए की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीए की जर्नी में सीए फाउंडेशन सबसे फर्स्ट लेवल है, जिसका पहला सब्जेक्ट दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग आप लोग मेरे साथ डील करेंगे। सीए बहुत ही बढ़िया कोर्स, बहुत ही पॉपुलर कोर्स और कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे टॉप मोस्ट कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा एंड आई फील वेरी प्राउड कि आप लोगों ने सीए को अपना करियर चूज किया। जनरली लोगों के क्या माइंड में रहता है कि सीए बहुत ही ज्यादा टफ कोर्स है, क्या ऐसा एक्चुअली में? जी बिल्कुल नहीं, सीए इज नॉट एट ऑल टफ, टफ बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, इसमें आपको सिंसियरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, फोकस रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब सर, सीए कर रहे हैं तो हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्यों कर रहे हैं हम सीए, सीए करने से होगा क्या? सीए करने से मार्केट में वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास खुल जाएंगी, जैसे कि यू कैन गो इन वेरियस जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स होती हैं, किसी भी फील्ड में यू कैन वर्क, लाइक फाइनेंस की फील्ड में, टैक्स की फील्ड में, लॉ की फील्ड में, अकाउंट्स की फील्ड में, इवन आईटी की फील्ड में यू कैन वर्क। ओके, सीए खुद एक अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, प्रैक्टिस इन मल्टीपल एरियाज, वही सब टैक्स के एरिया की प्रैक्टिस, लॉ की प्रैक्टिस, फाइनेंस की प्रैक्टिस, अकाउंट्स की प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस सीए कर सकता है। सीए एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, बिल्कुल जी, बिजनेस को सीए से ज्यादा अच्छा कोई मैनेज ही नहीं कर सकता। अगर आप लोगों ने रतन टाटा की स्पीच सुनी होगी, रतन टाटा ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था, आई नीड एमबीएस टू रन माई बिजनेस, बट आई नीड सीएस टू टीच दोज एमबीएस टू हाउ टू रन द बिजनेस। एमबीएस की रिक्वायरमेंट है बिजनेस को रन करने के लिए, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है उन एमबीएस को सिखाएं कि बिजनेस कैसे रन किया जाए। इसका मतलब नॉलेज वाइज सीए इज वेरी सुपीरियर टू एनी प्रोफेशनल। किसी भी प्रोफेशनल से आप कंपेयर करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की नॉलेज हर प्रोफेशन से बहुत ही ज्यादा ऊपर रहती है। इसी की वजह से अगर कोई बिजनेसमैन होगा और वो सीए होगा तो उससे बढ़िया बिजनेस इंडिया में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हर लॉ की नॉलेज है, अकाउंट्स की नॉलेज है, टैक्सेशन की नॉलेज है, फाइनेंस की नॉलेज है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, हर चीज की, हर एरिया की, आईटी की नॉलेज है, सब स्किल्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर आ जाती है। अब सीए की जर्नी को इंस्टीट्यूट ने, आईसीएआई, आपको इंस्टीट्यूट पता होना चाहिए हमारा कौन सा है जी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस वगैरह पढ़ा है? अगर आपने प्रोस्पेक्टस वगैरह नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आईसीएआई का जो प्रोस्पेक्टस है उसको एक बार जरूर देखिएगा, जरूर उसको रीड कीजिएगा, बिकॉज ब्यूटीफुली ड्राफ्ट, बहुत ही अच्छे से आईसीएआई ने अपना प्रोस्पेक्टस को ड्राफ्ट किया है, जिससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में सीए कोर्स है क्या। अब आईसीआई ने, इंस्टीट्यूट ने सीए के कोर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल। फाउंडेशन जो कि पहले क्या होता था, सीपीटी होता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इट्स जस्ट एन एंट्रेंस एग्जाम होता था, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते थे। अब उसको कन्वर्ट कर दिया फाउंडेशन। अगर आप लोगों को पता हो तो फाउंडेशन बहुत पुराना कोर्स है, बहुत पुराना नाम है सीए का फाउंडेशन। एंट्री लेवल पे जब 90s वगैरह में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, बने होंगे, आप उनसे पूछेगा कि आप लोगों ने एंट्री कैसे करी थी, सब बोलेंगे सीए फाउंडेशन के थ्रू। तो उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा इंस्टीट्यूट ने अप्लाई कर दिया। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब होता है बेस, नींव जिसे बोलते हैं, नींव। एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बिना नींव के बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। मतलब अगर नींव बिल्डिंग की कमजोर रह गई, बेस ही कमजोर रह गया, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। ऐसे ही सीए जो फाउंडेशन लेवल है, ये एक आपका बेस है, इसको यू हैव टू
बी वेरी स्ट्रांग एट दिस लेवल। आपको बहुत ही स्ट्रांग अपना बेस रखना पड़ेगा ताकि आपको इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जनरली जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं वो इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में क्यों करते हैं, उसका रीजन यही रहता है कि उनका बेस कमजोर है, उनका बेस वीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर बेस तो 11 12th भी हो सकता है सीए का, कैसा है, कैसा जरूरी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। मतलब कि अगर आपने 11 12th में कॉमर्स स्ट्रीम नहीं ली देन ऑल्सो यू कैन डू सीए। सर ये बड़ी अजीब सी आप बात बोल रहे हो, ऐसा है अगर आप लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम नहीं ली, अगर कोई साइंस स्टूडेंट मेरे पास आए और वो कहे मैं सीए करना चाहता हूं, कैन ही डू सीए? डेफिनेटली वो भी सीए कर सकता है, क्योंकि सीए के फाउंडेशन लेवल में आपको एक एक चीज बारीकी से समझाई जाएगी और आपका बेस इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा दैट यू कैन इजीली क्रैक योर इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम एंड बिकम अ क्वालिफाइड पर्सन, दैट इज योर सीए। अब सीए कोर्स के बारे में वैसे आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। सीए की जो शुरुआत होती है वो फाउंडेशन से होती है। अभी आपका जो फाउंडेशन का एग्जाम होगा, मई अभी मई 18 में जो एग्जाम हुआ है, मई 18 या 10th का, वो भी खत्म हुआ है। अब आपका जो एग्जाम फॉल करेगा वो नवंबर में करेगा, जिसका रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा। देन आपको 8 months का स्टडी पीरियड दिया जाएगा, फिर यू कैन एलिजिबल टू अपियर योर इंटर एग्जाम जो कि आपके नवंबर में हेल्ड होंगे, ठीक है जी। उसके बाद इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद कोई भी ग्रुप क्लियर कर लीजिए। पहले क्या होता था कि इंटरमीडिएट का 1 ग्रुप क्लियर कीजिए देन यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकल चेक, बट अब ऐसा नहीं है। अब आप दोनों में से कोई भी ग्रुप क्लियर कर लीजिए, यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकल चेक। आर्टिकल चेक पीरियड का टेन्योर रहता है 3 years का, जिसमें से आफ्टर 2.5 years, 2.5 साल के बाद यू आर एलिजिबल टू गिव योर सीए फाइनल एग्जामिनेशन एंड देन कंप्लीट योर बैलेंस ट्रेनिंग कोर्स एंड देन अप्लाई फॉर योर मेंबरशिप एंड यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसी बीच में कुछ छोटे छोटे आईटी के स्किल्स, आईटी के ट्रेनिंग प्रोग्राम, सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम, ये सब इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है, वो भी आपको मैंडेटरी करने पड़ेंगे। बाकी इसकी डिटेल चर्चा के लिए मैंने एक यूट्यूब पे छोटा सा वीडियो भी डाला हुआ है, आप वो देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सीए वरुण जैन के नाम से चैनल है, तो यूट्यूब पे आपको पूरी एक मैंने सीए कोर्स के बारे में वीडियो डाली है, आप उसको देख सकते हैं, आपको पूरा हर चीज क्लियर हो जाएगी। और अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे अपने सीए फाउंडेशन की जर्नी, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा दैट इज योर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे क्या, अकाउंट्स। हाँ जी, अब सीए फाउंडेशन का क्या स्ट्रक्चर है? सर स्ट्रक्चर मतलब कैसे कैसे पेपर्स को डिवाइड किया गया है, यह मैं आप लोगों को समझाऊंगा, पासिंग क्राइटेरिया बताता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सीए फाउंडेशन के कोर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कितने सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया और इसका क्या पासिंग क्राइटेरिया है। आइए जी देखिए, अगर आप देखें तो सीए फाउंडेशन के कोर्स को 4 parts में डिवाइड, 4 subjects आपके। सबसे पहला सब्जेक्ट है दैट इज योर अकाउंट्स, अकाउंट्स 100 marks, कितने मार्क्स का जी, 100 marks। सेकंड सब्जेक्ट इज योर बिजनेस लॉज एंड इसी के साथ ही ये ए पार्ट है बिजनेस लॉ और बी पार्ट विल बी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। हाँ जी, इसको इंग्लिश लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। बिजनेस लॉस की वेटेज है जी 60 marks एंड बीसीआर की वेटेज है जी 40 marks। ओके, थर्ड सब्जेक्ट इज योर बिजनेस मैथमेटिक्स, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स, इसकी वेटेज अगेन 100 marks। एंड फोर्थ सब्जेक्ट इज योर बिजनेस, फोर्थ में भी 2 parts है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ठीक है जी। बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 marks एंड बीसी के बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज योर 40 marks। हाँ जी, पेपर थ्री एंड फोर विल बी योर एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि मैथ्स, एलआर, स्टैट्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस नॉलेज एंड मैनेजमेंट, ये आपके एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू बेस्ड का मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग। हाँ जी, मतलब हर आंसर ठीक करने पे आपको 1 mark मिलेगा और एवरी रॉन्ग आंसर विल डिडक्ट 0.25 mark। मतलब अगर आपके 4 questions हैं, हाँ जी,
चार क्वेश्चंस है। मतलब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हर चार क्वेश्चंस गलत करने पर आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। मतलब आपके 10 में से अगर 4 क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके 1 मार्क एडिशनल आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपको आंसर बड़ी दिमाग से देना पड़ता है कि अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप आंसर ऑप्टी मत कीजिए, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे गलत आंसर करने। ठीक है जी। पेपर 1 एंड 2 यानी कि अकाउंट्स एंड लॉस एंड बीसीआर ये आपके सब्जेक्टिव रहेंगे, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके क्या रहेंगे जी, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मींस नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फुल फ्लेज आपको ये करने पड़ेंगे। अब पेपर होते कैसे हैं, पहले जो सीपीटी होते थे वो एक ही दिन में पेपर हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं है, अब हर एग्जाम अलग अलग दिन पर होगा और हर एक एग्जाम में आपको एक एक दिन की छुट्टी भी मिलेगी। यानी कि पहले अकाउंट्स हो गया तो उसके बाद एक दिन का गैप रहेगा, देन लॉस, देन एक दिन का गैप, देन मैथ्स, देन एक दिन का गैप, देन इकोनॉमिक्स। इज दैट क्लियर? सर पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा? पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया विल बी 40% मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स चाहिए और एग्रीगेट एग्रीगेट आपको 200 मार्क्स चाहिए। मतलब 100-100 नंबर के पेपर है, अगर 40-40% के हिसाब से देखे जाए, 40 इसमें 40 इसमें 40 इसमें 40 इसमें, टोटल कितने हुए, 160, यू आर नॉट पास, पास नहीं है। हाँ जी, अगर मान लीजिए अकाउंट्स में 80, लॉज में 60, एक में 30, एक में 40, कितने हो गए जी, ये हो गए 14, 210। सर टोटल तो 210 से क्रॉस कर गया, बट नहीं, एक सब्जेक्ट में कितना है जी, 30, एक सब्जेक्ट में कितना है, 30, तो आप फेल हो जाएंगे। हाँ जी, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, एट लीस्ट कम से कम 40, और ओवरऑल आपका टोटल रहना चाहिए 200 मार्क्स, देन ओनली यू कैन क्लियर योर फाउंडेशन एग्जाम्स। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रक्चर एंड पासिंग क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं पेपर पैटर्न। देखिए पेपर पैटर्न ये जो होता है बच्चे, श्योर नहीं कह सकते, बट ये क्या होता है, ये हमेशा रहता है एक्सपेक्टेड। पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए, पुराने ट्रेंड्स को देखते हुए, इंस्टीट्यूट की जजमेंट्स को देखते हुए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। अब कैसा ट्रेंड, अभी जो मई में एग्जाम एंड हुआ है वो वाला ट्रेंड हम देख लेंगे, और साथ में ही जो इंस्टीट्यूट रिवीजन टेस्ट पेपर देता है या मॉक टेस्ट पेपर देता है, मॉडल टेस्ट पेपर देता है, उसके हिसाब से हमें ट्रेंड पता लगता है क्या ट्रेंड रहेगा। आपके 6 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन 1 विल बी योर कंपल्सरी, 20 मार्क्स। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होगा 20 मार्क्स का, एंड बाकी जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है इनमें से यू हैव टू डू ऑप्ट ओनली 4 क्वेश्चन। आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 20 मार्क्स के, तब आपका टोटल कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स का। यानी कि 120 नंबर का पेपर आएगा जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का कंपलसरी है, और बाकी 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 करने हैं 20 20 मार्क्स के, तो आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। हाँ जी बताइए, ये चीज क्लियर? अब सर कितनी थ्योरी आएगी, कितना प्रैक्टिकल आएगा, इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि यहां से थ्योरी आएगी, यहां से प्रैक्टिकल आएगा। बट हाँ, ये जरूर माना जाएगा जो क्वेश्चन 1 आएगा कंपलसरी का, उसमें से थ्योरी ज्यादा, थ्योरी पोर्शन ज्यादा रहेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का आएगा, 6 ट्रू फॉल्स होंगे, 2 2 मार्क्स के एक, तो 12 नंबर का ये हो गया, एक 4 नंबर का और थ्योरी क्वेश्चन आएगा, यानी कि 20 में से आप मान के चलिए लगभग 16 मार्क्स की थ्योरी तो यहाँ कंफर्म है फर्स्ट क्वेश्चन में, और उसके साथ 4 नंबर का प्रैक्टिकल भी आ सकता है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा, बट पास्ट ट्रेंड को देखा जाए, क्योंकि पास्ट अभी कोई ट्रेंड ज्यादा बना नहीं है, एक ही अटेम्प्ट हुआ है फाउंडेशन कोर्स का, और हम इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर को ध्यान में रखते हुए ये चीज बता रहे हैं कि ये इस हिसाब से पेपर आपका चलेगा। हाँ जी, खैर ये सब तो बातें बात की हैं, हमें 100% कवरेज करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे फाउंडेशन को हमें क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमें सिर्फ पेपर पास करने के ऊपर नहीं सोचना, पास तो पेपर करना ही है, बट साथ साथ आपकी नॉलेज अच्छी हो जानी चाहिए,
क्योंकि ये वाली नॉलेज, ये जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये आपको इंटरमीडिएट और फाइनल में भी आपकी बहुत ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा आपकी मदद करेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ पास होना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव एक नॉलेजेबल पर्सन बनना है, ताकि आप क्वालिफाई भी करके जाए तो आप एक नॉलेजेबल चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे। क्वालिफाई कर जाते हैं, बच्चे पढ़ेंगे, पास होंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या उतनी नॉलेज है हमारे पास? वो सब आपकी पढ़ाई पे, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करती है कि आप सब में से अलग कैसे निकलेंगे। जो टॉप 50 रैंक होल्डर्स आते हैं, उनमें फर्क क्या होता है? उनमें फर्क यही होता है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस रहती है। लोग वो आप जो आप जैसे ही होते हैं, बट वो एफर्ट्स अपने कुछ ज्यादा ही लगा देते हैं अपने नॉलेज को शार्प करने के लिए। इज दैट क्लियर? हाँ जी। चलिए अब मैं आपको आईसीएआई का प्रोस्पेक्टस दिखाता हूं। देखिए जी, अगर आप आईसीएआई का प्रोस्पेक्टस देखें तो इंस्टीट्यूट ने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी है सीए स्टूडेंट से। क्या एक्सपेक्टेशंस रखी है वो हम देखेंगे यहां पर। वेट अ सेकेंड, दिस इज योर आपका प्रोस्पेक्टस, ये आप जरूर एक बार देखिएगा। देखिए आईसीएआई की सीए फाउंडेशन लेवल पे क्या एक्सपेक्टेशन रहती है स्टूडेंट से, दिखाता हूं मैं आपको। इसे आप पढ़िएगा, आईसीए का विजन मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। देखिए आईसीएआई इंस्टीट्यूट जो है वो सीए फाउंडेशन लेवल पे बच्चे से क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है एप्लीकेशन, कि बच्चे को कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज के साथ साथ एप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है। ये जो नॉलेज नॉलेज होती है ना, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज, ये 11th 12th में भी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको अप्लाई कैसे किया जाए वो आप फाउंडेशन लेवल पे सीखेंगे। उसके बाद आपकी जर्नी ये देखिए यहां से यहां तक ये बढ़ती चली जाएगी। देखिए अगर मैं यहां लेके जाऊं आपको, तो देखिए सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो आईसीआई क्या कह रहा है, अगर हम अकाउंट अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, अकाउंट्स की बात करें, तो इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आईसीएआई की जो एक्सपेक्टेशन है अकाउंट्स में, वो नॉलेज बेसिस पर 5 से 20% की है। 5 से 20% की आईसीआई कह रहा है कि नॉलेज टेस्ट करी जाएगी। अब नॉलेज इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे पढ़ के ही नहीं जाएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा पूरा, यानी कि नॉलेज अगर इंस्टीट्यूट टेस्ट करने लगा कि किताबी नॉलेज कितनी है, वो सिर्फ 5 से 20% ही टेस्ट करेगा, बाकी 80 to 95% जो टेस्ट करी जाएगी वो करी जाएगी एप्लीकेशन। इसका मतलब प्रैक्टिकल केसेस आप लोगों से 80 to 95% तक के पूछे जाएंगे, 5 से 20% के आपके थ्योरिटिकल चीजें आप लोगों से पूछी जाएगी कि कंसेप्ट क्या कहता है, डिफाइन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, ये सब चीजें, बट एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो 80 to 95% इंस्टीट्यूट आप लोगों से अकाउंट्स के सब्जेक्ट में पूछेगा। बाकी ये हर सब्जेक्ट में चेंज होती चली जाएगी। जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, बीसीआर की बात करें, तो 100% इसमें क्या है, 100% इंस्टीट्यूट आपसे नॉलेज पूछेगा, बट इसमें कोई एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे ही अगर कमर्शियल नॉलेज की बात करें, जो बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट है, तो उसमें भी 100% इंस्टीट्यूट क्या टेस्ट करेगा, नॉलेज, क्योंकि उसमें नॉलेज की जरूरत है, उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर? तो हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो 5 से 20% इंस्टीट्यूट नॉलेज टेस्ट करेगा, एंड 80 to 95% की उसको क्या चाहिए, उनको चाहिए जी एप्लीकेशन स्टूडेंट की। इज दैट क्लियर? ये इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन है। हाँ जी, ओके जी। अब कीवर्ड्स फॉर सक्सेस, अगर आपको सीए में सक्सेस चाहिए, सीए क्या, अगर आपको लाइफ में किसी भी चीज में सक्सेस चाहिए, तो इन चार बातों को अपनाइएगा। सबसे पहली चीज फोकस। फोकस
क्या समझते हैं आप लोग फोकस से? महाभारत देखिए, आप लोग देखिए ना, आज अर्जुन का फोकस क्या था? अर्जुन का फोकस था आंख, जिस पे उसे तीर चलाना था, उस आंख के ऊपर फोकस था। तो आपका जो फोकस रहेगा, आपका फोकस रहेगा इन दो शब्दों के ऊपर, दैट इज योर सी ए, कि आपको अपने नाम के आगे ये प्रीफिक्स ऐड करना ही करना है, दैट इज योर सी ए। तो आपका जो फोकस, आपका विजन मिशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे सीए करनी है। रास्ते में कहीं मत भटकिएगा। बहुत लोग होंगे भटकाने के लिए, बहुत लोग आपको बोलेंगे छोड़ दो सीए, बहुत टफ कोर्स है, छोड़ दे सीए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये चीज करनी है आपको, सुन लेनी है, बट आपको डिसीजन अपना लेना है कि भाई मेरा फोकस है सीए तो मुझे सीए करनी है। बच्चे फेल क्यों कर जाते हैं? बच्चे फेल इसी वजह से कर जाते हैं, उनको कोई और आके क्या कर जाता है, बहका जाता है कि सीए टफ है, या वो खुद ही क्या कर जाता है, हिम्मत हार जाते हैं, तो इसलिए वो फेल कर जाते हैं, वो सीए नहीं कर पाते। बट आपका फोकस रहना चाहिए कि हाँ मैंने सीए ऑप्ट किया है तो मुझे सीए वो करनी है, कंप्लीट करके ही चलनी है। योर फोकस शुड बी वेरी 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 क्रिस्टल क्लियर। इज दैट क्लियर? फोकस के बाद आता है जी सिंसियरिटी। हाँ जी, आपको अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा क्या होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा। सीरियस नहीं मैं कह रहा, एंजॉयमेंट करिए, कोई मना ही नहीं है एंजॉयमेंट करने के लिए, मूवीज देखिए, खेलिए, कूदिए, टीवी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए सिंसियर होना पड़ेगा। मतलब आप पढ़ाई को किसी भी चीज में सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि पहले पढ़ू फिर मूवी जाओ, तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, देन यू विल गो फॉर मूवी। अगर आपने ये चीज सेलेक्ट किया कि हाँ पहले मूवी देखा तो फिर मैं पढ़ूंगा, आप समझ लीजिए आप बिल्कुल डाउन जा रहे हैं। यू आर अटेम्प्टिंग टू व्हाट? अटेम्प्टिंग टू फेल। तो यू हैव टू बी वेरी 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 व्हाट? सिंसियर। ठीक है जी सर, ये सिंसियर इसलिए क्योंकि टफ है? बिल्कुल नहीं जी, मैंने ऐसा नहीं बोला। मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, टाइम टू टाइम सारी चीज करनी है, एंजॉयमेंट के टाइम पे एंजॉयमेंट कीजिए, बट पढ़ाई के टाइम पे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, देन इज योर ऑनेस्टी। हाँ जी, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब सर झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल जी झूठ तो कभी बोलना भी नहीं चाहिए। ऑनेस्टी का मेरा मतलब यहां पर क्या है कि आपको किसी से नहीं, खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। खुद से ऑनेस्ट कैसे हुआ जाता है? हर इंसान को अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता होता है, उसको पता होता है कि मैं किस पानी में हूं, कितने पानी में हूं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने कितने परसेंट पढ़ाई करी है। ना तो आपके पेरेंट्स इसमें कुछ कर सकते, ना कोई भी, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद पता होता है कि हमने कितने परसेंट पढ़ाई करी है। तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ। पहले खुद से सच बोलिए, खुद के सामने ऑनेस्ट बनिए, तब आप दूसरों के सामने ऑनेस्ट बन पाएंगे। ओके जी, एंड लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज योर पंक्चुअलिटी। पंक्चुअल आपको होना बहुत जरूरी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर पंक्चुअल नहीं है तो इसका मतलब वो अभी परफेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। पंक्चुअलिटी की जो चीजें हैं वो आपको अभी से ही अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट मिलेंगे। मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूं, मैं बहुत ही कहते हैं ना, बिल्कुल पंक्चुअलिटी मेरे अंदर नहीं थी, पंक्चुअलिटी थी नहीं मेरे अंदर। सीए करते करते भी मेरे अंदर पंक्चुअलिटी नहीं थी, बट उसकी वजह से मेरे को कुछ ना कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ी, मेरे को कुछ ना कुछ क्या करनी पड़ी बच्चे, दिक्कतें फेस करनी पड़ी। बट मैं चाहूंगा कि वो दिक्कतें आप लोग फेस ना करें, इसलिए यू हैव टू बी वेरी 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 पंक्चुअल। पंक्चुअल मतलब जिस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है तो मतलब पढ़ाई ही करनी है। आपको अपने असेट्स जैसे कि ये फोन वगैरह है, इन सबको ऑफ कर देना है, सब कुछ हटा के अलग कर दीजिए, पढ़ाई मतलब आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है जी, सो दीज फोर कीवर्ड्स अगर आप अपना लेंगे अपनी लाइफ में, अगर आप इन चार कीवर्ड्स को अपना लेंगे तो आप आराम से सीए क्लियर कर जाएंगे। कौन कौन से जी? फोकस, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी। इज दैट क्लियर? हाँ जी, यस।
चलिए जी, ये सब हमने जनरल बातें डिस्कस करी, अब हम आप धीरे धीरे अपने कोर्स की तरफ मूव करेंगे। हमारा सब्जेक्ट दैट इज योर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। आइए जी, सबसे पहले मैं आपको कोर्स बता दूंगा कि कोर्स क्या है हमारा, क्योंकि हम कोई भी चीज अगर करने वाले हैं तो हमें पता तो हो कि हमें करना क्या है। अगर आप क्रिकेट खेलने गए तो आपको पहले क्रिकेट के बारे में पता होना जरूरी है कि बैट क्या होता है, पैड्स क्या होते हैं, बॉल क्या होती है, एम्पायर कैसे डिसीजन लेता है, कैसे आउट होता है, क्या फोर होता है, क्या सिक्स होता है, कैसे रन होता है, ये सब चीजें आपको क्रिकेट के बारे में पता होनी चाहिए, तभी तो आप क्रिकेट खेल सकेंगे। इसीलिए अगर आपको अकाउंट स्टार्ट करनी है तो पहले आपको अकाउंट्स के कोर्स के बारे में पता हो कि अकाउंट्स के कोर्स में हमें करना क्या क्या है, देन यू कैन डू वेल। चलिए देखिए, अब हम कोर्स की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको कोर्स की तरफ ले सकता हूँ, मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज वेटेज क्या है हर कोर्स की, हर चैप्टर की वेटेज क्या है वो आपको पता होना जरूरी है। फर्स्ट यस, तो ये देखिए ये है जी सेक्शन वाइज वेटेज। हाँ जी, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में सेक्शन वाइज वेटेज, अब मैं आपको दिखाता हूं, लुक एट दिस। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में यू हैव एट टॉपिक्स, एट में से सबसे पहले है जी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स, कंटिंजेंट असेट्स, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट, एंड एक नई टर्म जी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज योर इंडियस, इसके कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो सारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, इस सब की वेटेज है जी 5 to 10 marks की, 5 से 10% का आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है जी। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ओके जी, देन योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, देन योर इन्वेंटरीज, एंड देन योर चैप्टर इज डेप्रिसिएशन, ये सारा 20 से 25 नंबर का, ओके। देन अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, जिसमें आपके बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, कंसाइनमेंट्स, ज्वाइंट वेंचर्स, रॉयल्टी अकाउंट्स, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये सब कितने हैं जी 15 से 20 नंबर के। एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप अकाउंट्स, एनपीओ वगैरह, ये 25 से 30 मार्क्स की। एंड योर कंपनी अकाउंट्स 10 से 15 नंबर का, एंड 10 से 15 नंबर की आपकी अकाउंटिंग रेशियोज, ठीक है। अब हम पहले काम करते हैं, इसको हम सेग्रीगेट करके चलते हैं कि आपने 11th में कितना पढ़ा है, 12th में कितना पढ़ा है, और आपके लिए नया क्या क्या है। देखिए जी, अगर मैं इसको सेग्रीगेट करूं, ये आ गया जी 11th क्लास कि 11th में कितना पढ़ा, 12th में क्या पढ़ा, एंड न्यू टॉपिक्स। तो सबसे पहला यहीं से लेके चलते हैं, थ्योरी, जितनी भी आपने थ्योरी है देखी है, ये जितनी भी थ्योरी है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्शन, कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन सब की थ्योरी आपने 11th क्लास में पढ़ी है। यानी कि अगर आप बोलें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये आपका किस क्लास में था, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, जिसकी वेटेज है 5 to 10 marks की, ये 5 से 10% दे रखा है, बट 100 marks का पेपर है तो ऑब्वियसली 5 to 10 marks हो जाएगा ये, ओके जी। देन इज योर अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज एंड डेप्रिसिएशन, ओके जी, ये सब भी आपने कहां पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है, अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट,
इन्वेंट्रीज एंड योर डेप्रिसिएशन, ये सब भी आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जिसकी वेटेज है 20 to 25 मार्क्स की। ओके जी, देन अगला जो आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, रॉयल्टी, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये सब आपके लिए न्यू टॉपिक्स है एक्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने 11th क्लास में पढ़ा है, बाकी सब आपके न्यू टॉपिक्स है। तो मैं अभी आप इनको न्यू टॉपिक्स में लिखता हूं, न्यू टॉपिक्स में अगर मैं थर्ड उसमें डालू तो बीओई, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, और कौन कौन से हैं जी, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, रॉयल्टी, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करें, यही है। हाँ जी, ये सब की वेटेज है, इनकी वेटेज दे रही है इंस्टीट्यूट ने 15 से 20 मार्क्स की। हाँ जी, ये सब आपके लिए न्यू है एक्सेप्ट दिस, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ, बट मैं इसको भी अभी भी न्यू टॉपिक में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि 11th में बहुत बेसिक चीजें पढ़ी हैं, इसको और एक्सटेंशन हमें यहां पर इसको देखना है। ओके जी, देन फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और एनपीओस, ठीक है जी। 11th में फाइनल अकाउंट्स हमने पढ़े थे सोल प्रोप्राइटर के, पार्टनरशिप आपने 12th में पढ़ा है, पार्टनरशिप 12th में पढ़ा है एंड एनपीओस 11th में पढ़ा है। तो ये सब की वेटेज है, यानी कि इन तीनों की वेटेज कितनी है, इन तीनों की वेटेज है 25 से 30 मार्क्स की। उसके बाद हम आते हैं कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स अगेन 12th का टॉपिक है, ये टॉपिक नंबर 7, कंपनी अकाउंट्स 10 to 15 मार्क्स, कंपनी अकाउंट्स इज योर 10 to 15 मार्क्स। एंड लास्ट इज योर रेशियोज, रेशियो एनालिसिस, रेशियोज वगैरह, ये कितने मार्क्स के, ये भी 10 to 15 मार्क्स। हाँ जी, सो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, सबसे ज्यादा वेटेज वाले जो टॉपिक्स है वो है हमारे फाइनल अकाउंट्स वगैरह, जिसमें आपका फाइनल अकाउंट्स आता है, पार्टनरशिप आता है और एनपीओ आता है, ये सबसे ज्यादा वेटेज वाले हैं। रीजन बीइंग इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 10-10 नंबर के प्रैक्टिकल आपसे पूछे जाएंगे, और इसमें टाइम भी सबसे ज्यादा हमारा इसी चीज में कंज्यूम होगा। ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी वेटेज वाइज, अगर हम वेटेज वाइज देखें तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी ये वाली। ओके जी, सेकंड प्रेफरेंस है अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस, इन्वेंटरीज, डेप्रिसिएशन, इसकी वेटेज 20-25, ये सेकंड प्रेफरेंस पे आ जाएगा। थर्ड प्रेफरेंस में हमारी ये न्यू टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे, छोटे 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 से टॉपिक्स है। ओके जी, फोर्थ प्रेफरेंस में हमारे ये दोनों कंपनी अकाउंट्स, रेशियोज, ये दोनों 10 से 15 नंबर के। एंड लास्ट इज योर थियोरिटिकल फ्रेमवर्क, फिफ्थ प्रेफरेंस, क्योंकि 5 से 10 नंबर आएगा। बट जो हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे जी इससे, थियोरिटिकल फ्रेमवर्क से। रीजन बीइंग जो बेस है अकाउंट्स का वो सारा इसी में ही छुपा हुआ है, थ्योरी में। इंस्टीट्यूट ने भले ही इसकी वेटेज कम दे रही है 5 से 10 नंबर की, बट सारा जो आपका बेस है, सारा जो आपका जड़ है एक तरीके से अकाउंट्स की, वो सारी की सारी यही है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ बेसिक तरीके से समझाया गया कि अकाउंटिंग क्या है, कैसे चलती है, उसके बारे में एक एक चीज आपको यहां से मिलेगी। अगर मैं डायरेक्ट वेटेज वाले टॉपिक पे जंप कर जाऊंगा, हो तो जाएंगे बट आपका बेस इतनी अच्छी से स्ट्रॉन्ग नहीं मिल पाएगा। तो हम स्टार्टिंग ही किससे करेंगे जी, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क से। आइए, कंप्लीट कवरेज हमारी रहेगी, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, दैट इज योर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी, तो हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहला टॉपिक, दैट इज योर
मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा, हमारी जो कवरेज रहेगी हम पढ़ेंगे कहां से, पढ़ने के लिए हमारा जो बेस रहेगा वो आईसीएआई का मॉड्यूल रहेगा, आईसीएआई का मटेरियल रहेगा, इंस्टीट्यूट का कंप्लीट मटेरियल हमें पढ़ना है, हमारा कोई भी एडिशनल मटेरियल नहीं होगा। रीजन बीइंग क्योंकि इस बार जो आईसीएआई के मॉड्यूल्स आए हैं, मटेरियल आए हैं, वो सबसे बेस्ट आए हैं, इतनी ब्यूटीफुली ड्राफ्ट है, उससे अच्छा मैं कहता हूँ कोई भी बुक नहीं हो सकती। किसी भी आप ऑथर की बुक उठा लेंगे, आईसीआई के मटेरियल से बढ़िया कुछ भी नहीं है। इंस्टीट्यूट पेपर जो बनाएगा वो अपने मटेरियल से बनाएगा, तो हमारी जो कवरेज रहेगी एक तरीके से, ये मैं पहले आपको बताऊंगा, जो हमारी कवरेज रहेगी वो रहेगी आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, आईसीएआई का आरटीपी, आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर, ये सब तो आईसीएआई का ही हो गया, और प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। हाँ जी, जो प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर हैं वो सब रहेंगे। तो आईसीएआई का ही स्टडी मटेरियल, आईसीएआई की आरटीपी, आईसीएआई के ही मॉक टेस्ट पेपर और आईसीएआई के ही क्वेश्चन पेपर। अभी एक ही अटेम्प्ट हुआ है हमारे पास मई वाला, तो उसका क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे और जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ते रहेंगे उसके हम क्वेश्चन पेपर देखते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो सारा का सारा कंप्लीट कवरेज फ्रॉम इंस्टीट्यूट मटेरियल, और हम गारंटीड, आप देख लीजिएगा कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बाहर कभी भी कुछ नहीं आता। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन ही अपने मटेरियल से उठा के कभी कभी तो बिल्कुल डिजिट टू डिजिट ही कॉपी पेस्ट कर देता है, और कभी कभी क्या करता है पैटर्न वही रखता है, बस डिजिट्स में ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है जी, तो कवरेज विल बी योर आईसीएआई मटेरियल। हाँ जी, तो हम पढ़ेंगे कहां से, इंस्टीट्यूट के मटेरियल, क्वेश्चन सब कुछ आपको उसी में ही मिल जाएंगे। तो इंस्टीट्यूट का जो पहला चैप्टर है, दैट इज योर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो आइए जी, चैप्टर वन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंट। देखिए जी, ये हमारा चैप्टर है। सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। देखिए ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन दे, क्या कह रहा है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। क्या कह रहा है देखिए, सबसे पहली चीज क्या कह रहा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। यानी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, सबसे पहली चीज क्या, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। हाँ जी, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना और उसकी समरी बना देना, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और उसकी समरी बना देना, अकाउंटिंग है। क्या अकाउंटिंग यही एंड हो जाती है? जी नहीं। रिकॉर्डिंग किस में होती है? किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर हमें रिकॉर्ड करना होता है उसके लिए एक बुक बनती है जी, जर्नल। क्लासिफाई, क्लासिफाई मतलब ट्रांजेक्शन को उसके नेचर के हिसाब से क्लासिफाई कर देना, यानी कि लेजर्स में उसको डाल देना, और उसकी समरी जनरेट करना, समरी मतलब रिजल्ट निकालना, किससे, ट्रायल बैलेंस से
पीएनएल अकाउंट से या बैलेंस शीट से। ये क्या है डिटेल में हम चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट को, बट अभी हम डेफिनेशन देख रहे हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, ठीक है जी, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। हाँ जी, सिग्निफिकेंट मैनर मतलब एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से नेचर वाइज, यानी कि परचेज से रिलेटेड सारी चीजें परचेज हेड में, सेल से रिलेटेड सारी बातें सेल हेड में, समझ रहे हैं या नहीं बताइए। मटेरियल परचेज कर लिया, जो बिजनेस में यूज होना था मटेरियल, वो सारा का सारा क्या हो गया, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड परचेज जितनी भी हुई सारी परचेज हेड में। फिनिश गुड्स बनाकर उसको बेच दिया, फिनिश गुड्स को बनाकर उसको बेच दिया, वो सारी किसमें, सेल हेड में, उसको बोलेंगे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तो दोबारा देखेंगे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। देखिए आगे क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, यानी कि मनी की टर्म्स में होना जरूरी है, जो भी ट्रांजेक्शन और इवेंट है, जो भी ट्रांजेक्शन और इवेंट हो रहे हैं वो मनी की टर्म्स में होना जरूरी है, मतलब उसकी मेजरमेंट जो हो रही है वो फाइनेंशियल होनी चाहिए, मनी की टर्म्स में उसको मेजर करा होना चाहिए, मतलब क्वांटिटेटिव चीजें हम अकाउंट्स में ले आएंगे, क्वालिटेटिव चीजें हम हटा देंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैं गुड्स 10,000 रुपीज के खरीद के लाया तो वो मेरे अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाएंगे, बट किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर ली मैंने, क्या वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी, जी नहीं, बट उस परफॉर्मेंस पे अगर मैंने उसे बोनस दे दिया वो अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा, वो क्या होगा जी, अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। मतलब मनी की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। और आगे वो ही यही सेम चीज कह रहा है, विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, मतलब उसका क्या है जी, फाइनेंशियल करेक्टर है, क्या है जी उसका, फाइनेंशियल करेक्टर। उसके बाद इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट दे रहा, उसके बाद हमने क्या करा, जो भी हमारे रिजल्ट निकल गया है उसको इंटरप्रेट किया, उसको एनालाइज किया, उसके बेस पे क्या किया जी, डिसीजन ले लिया। अब आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ व्हाट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इवेंट एंड इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल करेक्टर, एक पार्ट तो यहां खत्म हो गया, उसके बाद एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स दे रहा, उसके बाद रिजल्ट्स को क्या कर लिया जी, इंटरप्रेट कर दिया। सर कई बार ये टर्म सुन लिया हमने, ट्रांजेक्शन और इवेंट, क्या जी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट क्या होता है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कोई भी काम कर लिया, कोई भी काम कर लिया वो ट्रांजेक्शन, अगर वो मनी की फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म्स में, मतलब कि क्या, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज कर लिए, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स सेल कर दिए, ये क्या है जी, ये ट्रांजेक्शन है। और इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है जी घटना, ये कोई भी घटना घट गई, घटना घट गई मतलब एंटिटी को क्या हो गया जी, प्रॉफिट हो गया, गुड्स बेचने के बाद क्लोजिंग स्टॉक रह गया, क्या रह गया जी, क्लोजिंग स्टॉक रह गया, तो ये क्या है, ये ट्रांजेक्शन की वजह से कोई ना कोई घटना हुई, कुछ काम करने की वजह से कोई ना कोई घटना घटित हो गई, उसको क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर एक्स है, इसने एक स्टेशनरी बिजनेस स्टार्ट किया, क्या किया जी, स्टेशनरी बिजनेस विद रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए लगा के उसने स्टेशनरी बिजनेस स्टार्ट किया, उसने सेल्स करी लेट अस से 50,000 की, सेल करी कितने की जी, 50,000 की, उसके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया कितने का, लेट अस से 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक रह गया, लेस उसने क्या करी जी, परचेजेस करी, मटेरियल परचेज किया होगा बेचने से पहले,
कितने का? 1 लाख रुपए का। परचेज करी उसने लेट अस से 30,000 की। अब 60,000 का क्या रह गया उसके पास? 60,000 का उसके पास आ गया जी प्रॉफिट, जिसको आप सरप्लस कहेंगे। यानी कि 30,000 रुपए का माल परचेज करा, ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज अ ट्रांजेक्शन। ये क्या है? ट्रांजेक्शन है। 50,000 रुपए का माल सेल कर दिया। सेल क्या है? सेल भी एक ट्रांजेक्शन है। अब सेल परचेज होने की वजह से हमारे पास क्या रह गया? कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह गया। कुछ क्या रह गया जी? क्लोजिंग स्टॉक रह गया 40,000 का। कितने का? 40,000 का। यहां अगर आप माने परचेज, उसने 10,000 यूनिट्स खरीदी थी, 10,000 यूनिट खरीदी की 30 रुपीज की। कितने की? 30 रुपीज की। अब उसने जब सेल करी, सेल उसने सिर्फ कितनी करी? 5,000 यूनिट्स करी। कितने रुपए की? हाँ जी, 5,000 यूनिट बेची। कितने रुपए की बोलो? कितने रुपए की? 10 रुपीज की। अब यहां 5,000 वैल्यू जो खरीदी थी वो 15,000 की थी, और 50,000 की बेच दी, प्रॉफिट यहां हो गया। और बाकी जो 5,000 बच गई वो उसका क्या रह गया? क्लोजिंग स्टॉक रह गया। यानी कि सेल परचेज होने की वजह से उसका क्या रह गया? एक इवेंट क्रिएट हो गया। व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक? कि कुछ ना कुछ माल हमारे पास क्या हो गया? बच गया। वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। अब ये सारे बिजनेस करने की वजह से एंटिटी को क्या हो गया? ये सारा बिजनेस करने की वजह से एंटिटी को हो गया जी प्रॉफिट। कितने रुपए का? 60,000 का। और दिस प्रॉफिट इज ऑल्सो एन इवेंट। ये भी क्या है? एक इवेंट। यानी कि कोई भी काम किया वो क्या है? ट्रांजेक्शन। और काम करने की वजह से अगर कोई घटना आ गई वो क्या हो जाएगी? इवेंट। तो वो ट्रांजेक्शन, वो इवेंट, उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग करना। ऐसी ट्रांजेक्शन और इवेंट जो कि हम यहां देख रहे हैं, किस फॉर्म में है? मॉनिटरी फॉर्म्स में है। किस में है? मॉनिटरी फॉर्म्स में है। ये सब चीजें क्या होती हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं व्हाट? इसको बोलते हैं जी अकाउंटिंग। और इसी के बेस पे क्या लेते हैं? एक एंटिटी क्या लेती है जी? डिसीजन लेती है। इज दैट क्लियर? बोलो क्या ये क्लियर हुआ? हाँ जी। सो आइए दोबारा देखेंगे। अब अकाउंटिंग की मीनिंग को समझिए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है जी। इज दिस क्लियर टू यू? एक ऐसे एग्जाम्पल दे रखा है कि देखिए, गुड्स सेल करे थे 1,47,000 के। ये क्या है? ये क्या है हमारे पास? ये है जी ट्रांजेक्शन। गुड्स इन हैंड, ये क्या है जी? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या रह गया? इवेंट। गुड्स परचेज करे थे, गुड्स परचेज करना क्या है? ट्रांजेक्शन। शॉप रेंट पे किया, रेंट पे करना क्या है? ट्रांजेक्शन। अब इन सब की वजह से हमारे पास क्या निकल के रह गया? सरप्लस रह गया, यानी कि प्रॉफिट आ गया। कितने का? 42,000 का। ये क्या है जी? इवेंट। अर्निंग ऑफ 42,000 सरप्लस इज एन इवेंट। इज दैट क्लियर? बोलो बोलो बोलो, क्लियर हुई? अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये याद रखना, अकाउंटिंग को बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस को समझाने की परिभाषा कैसे समझाया जाता है? इन द टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि बिजनेस को हमेशा प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे तोला जाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो तो अच्छा बिजनेस है, लॉस हो रहा है तो बेकार बिजनेस है। तो वो सब क्या है जी? व्हाट? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। दिस इज योर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब हम देखेंगे जी क्या प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग करने के तरीके। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग आप कह सकते हैं से प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी कह सकते हैं। हाँ जी। अकाउंटिंग करने का प्रोसीजर क्या है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जी जनरेटिंग
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करना और उसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहिए, यूज करना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट होगी, रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना, उसको समराइज करना, उसके बाद उसका एनालिसिस करना, उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करनी और इंटरप्रिट करने के बाद उसको कम्युनिकेट करना। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ, ट्रांजेक्शन को इनिशियली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना इन द जर्नल बुक कि पता लग जाए कि डेबिट क्रेडिट क्या है, फिर उसको उसके नेचर के हिसाब से क्लासीफाई करना, दैट इज योर लेजर पोस्टिंग, फिर उस जो हमारी लेजर्स बन के बहुत सारे उसको क्या करना, समराइज करना, इकट्ठा कर देना ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसके बाद उसको एनालाइज करना, मतलब बिजनेस के एनालिसिस करना कैसे कि प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, रेशियो रेशियोस कैलकुलेट करके, देन उसके बेस पे उसका इंटरप्रिटेशन करना कि बिजनेस कैसा चल रहा है, चार्ट्स वार्ट्स बनाना, डायग्राम्स वगैरह बनाना, फिर उसको कम्युनिकेट करना यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। कम्युनिकेट किसे करना, यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब कौन लोग जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके अपना क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। तो इनपुट अगर हम देखें बिजनेस के लिए, इनपुट क्या है, बिजनेस के लिए इनपुट है इकोनॉमिक इवेंट्स ट्रांजेक्शन मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, मतलब वो इवेंट और ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म से मेजर करे जाते हैं वो बिजनेस के लिए क्या है, इनपुट है, उसको अकाउंटिंग साइकिल में डालेंगे। अकाउंटिंग साइकिल क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड जर्नल, देन उसके बाद उसको क्लासीफाई करना, दैट इज योर पोस्टिंग इन द लेजर, लेजर पोस्टिंग करना, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना लेना, ट्रायल बैलेंस बनाना मतलब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना कि अकाउंट्स हमारे अरिथमेटिकली ठीक है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, क्या कोई मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं अकाउंट में। देन इज योर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना यानी कि प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना, इन सब चीजों से हमारा क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है और आउटपुट को हम यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं, यूजर्स को क्या करते हैं बताते हैं। यूजर कितने तरीके के होते हैं, इंटरनल यूजर एंड योर एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर मतलब जो एंटिटी के अंदर ही है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर्स, मैनेजर्स एंड ऑफिसर, ये क्या करेंगे, बिजनेस के बेसिस पे डिसीजंस ले सकते हैं, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, क्या कोई गड़बड़ी आ रही है, कॉस्ट कंट्रोल करी जाए, ये सब चीजें क्या करेंगे इंटरनल यूजर्स के लिए मदद करती है। देन यूजर एक्सटर्नल यूजर मतलब इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स कौन हो गए, इन्वेस्टर वो हो गए जो बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तभी कोई इन्वेस्टर बिजनेस में पैसा लगाएगा, अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगा। देन इज योर लेंडर्स, लेंडर्स कौन होते हैं, जो कि क्या करते हैं जी, लोन देते हैं, उधार देते हैं, ये आ गया अपने लेंडर्स। लेंडर्स के बाद आते हैं जी सप्लायर्स, सप्लायर कौन होते हैं, जिनसे हम माल खरीदते हैं, वो देखेंगे कि कहीं मेरी पेमेंट फंस तो नहीं जाएगी। गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसीज मतलब टैक्स अथॉरिटीज वगैरह, उनको टैक्स कलेक्ट करने के लिए कंपनी की क्या चाहिए होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। और लास्ट आते हैं जी हमारे कस्टमर्स, कस्टमर्स कौन होंगे, जो हमसे गुड्स खरीदेंगे, ठीक है जी, उनको भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, की अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू से दिया है आपको प्रोसीजर का, इसकी डिटेल डिस्कशन हमें पॉइंट बाय पॉइंट पढ़नी है कि रिकॉर्डिंग क्या होती है, इसकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ये लीजिए प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग दो पार्ट्स में डिवाइडिंग है, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसकी डिटेल हम चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। चलिए तो आज हमने क्या देखा, आज हमने सिर्फ एक सिर्फ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देखा, उसको हमने समझा कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एग्जैक्टली होती क्या है, और एक हमने देखा ट्रांजेक्शन इवेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग की डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क है इस पे मेरा फोकस ज्यादा इसलिए रहेगा, बच्चे ये मत सोचिएगा कि एग्जाम में कितनी वेटेज है, बट ये बेस है, ये अगर आपको पता हो गया या मतलब ये आपको अच्छे से अगर आपको इसकी नॉलेज मिल गई तो आपकी अकाउंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यही सेक्शन अगर आपका वीक रहेगा तो आपको अकाउंट्स में डर लगेगा, आपको अकाउंट्स इतनी अच्छे से क्लियर नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर, चलिए कंटिन्यू करेंगे हम फिर अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।